पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और फिर मुरादाबाद के कोविड कमांड सेंटर और कोविड 19 हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आने वाली कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों का हौसला बढ़ाते हुए उनके इस कोरोना काल में सेवा कार्य करने पर आभार भी जताया और सभी को शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान उन्होंने मुरादाबाद में कोविड वैक्सीन के वेस्ट होने पर भी नाराजगी जताई और कहा कि यदि लापरवाही बरती गई तो फिर कार्यवाही भी की जाएगी। आप सब लोगों ने भी लगभग पूरी मीटिंग अटेंड करी है। मुरादाबाद के अंदर कहर बरपा था, 9000 मरीज एक बार को तो इकट्ठा हो गए थे, लेकिन आप गौर करेंगे कि इन 15-20 दिनों के अंदर अंदर जब हर तरह की एक तरीके से बहुत ज़्यादा संघर्ष का दिक्कत का समय था, तो मुरादाबाद के जनप्रतिनिधियों ने, हमारे सभी हेल्थ वर्कर्स ने, वॉरियर्स ने और आप सब लोगों ने एक दूसरे की सहायता करी। और आज खुशी की बात यह है कि आज एक भी केस पॉजिटिव सुबह से यहाँ रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया है सभी लोगों को कि अगर थर्ड वेव आती है तो उसकी तैयारी पहले से कर ली जाए। उसी कड़ी में मेरा यहाँ पर आना हुआ। किस तरह से तैयारी होगी थर्ड वेव की? अगर थर्ड वेव के लिए जो बेड्स की संख्या पर्याप्त मात्रा में हर रोज बढ़ाई जा रही है, छोटे छोटे बच्चों के लिए आइसोलेशन सेंटर जो अपनी माँ के साथ में रह सकते हैं, अगर कोई बीमार हो जाता है टीचर, उनके लिए वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध है, तो उसकी भी व्यवस्था अभी से ही कर ली गई है, जैसा कि अभी मीटिंग में बताया गया है और बाकी भी करी है। अच्छा, वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठ रहे थे कि वो नहीं मिल पा रही है, उसमें क्या रहा है अभी? देखिए, वैक्सीनेशन के अंदर जो उपलब्धता है उसके अनुसार लगातार बढ़ती जा रही है, और इतने बड़े देश के अंदर सबसे बड़ा वैक्सीनेशन वर्ल्ड के अंदर भारत में ही चल रहा है। और आप लोगों को मैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक संदेश दे दूं कि अब की बार वैक्सीनेशन जून के अंदर डबल होगा। अच्छा, और जुलाई में फिर उससे भी जोड़ा ज़्यादा होगा, तो हर महीने ये वैक्सीनेशन कम से कम 50% बढ़ेगा। कुछ वो परिवार भी क्या करना वैक्सीन हो रही? देखिए, ये अगर कोई लोग गैर जिम्मेदार हैं तो ये एक तरीके से ये मानवता के साथ वो अच्छा नहीं कर रहे। 1-1.5% से ज़्यादा वैक्सीनेशन खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन की जो वेस्टेज है वो 0% होनी चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।